डिप्रेशन और बाकी मनोविकार साथ साथ आने वाले, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन या बीमारी एक अलग है कि जिसमें डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेशन हो सकता है या डिप्रेशन मैनिया के साथ में हो सकता है, हाइपोमैनिया के साथ में हो सकता है, मतलब बायपोलर वन बायपोलर टू डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर फ्लक्चुएटिंग है ना, मैनिया डिप्रेशन के बीच में। दूसरा डिप्रेशन एज ए सिम्टम, ये लक्षण, बाकी काफ़ी अदर जो मानसिक बीमारियां हैं तो वो बाकी जो मानसिक बीमारियां हैं उसके साथ साथ डिप्रेशन आ सकता है और वो भी हमको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी बाकी मानसिक बीमारियां हैं कि जिसके साथ में डिप्रेशन रहता है या उदासीनता या निराशा रहती है? तो एकदम मेजर ये है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है, मतलब अल्कोहल और बाकी जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, गांजा अफीम या निकोटीन, तो इसके साथ मतलब कोई भी एडिक्टिव या नशे वाली चीज़ें जो एडिक्ट हो जाते हैं, व्यसन लगता है, उसके साथ साथ डिप्रेशन आ सकता है, मतलब एक वो है। या वो व्यक्ति को बाकी मेडिकल कंडीशन है, बाकी मेडिकल बीमारी है, मतलब किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, पेट की बीमारी है और बाकी बदन में जो भी कुछ अलग अलग बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन है, तो एक वो हो सकता है, मतलब मेडिकल कंडीशन के साथ साथ डिप्रेशन। एक है अल्कोहल या अदर नशे वाली चीज़ें हैं उसके एडिक्शन के साथ साथ डिप्रेशन। इसके अलावा काफ़ी मानसिक बीमारियों के साथ में डिप्रेशन रहता है और वो यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर जल्दी पेशेंट अच्छा होता नहीं है। तो वो और कौन सी मानसिक बीमारियां हैं? तो एक है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में डिप्रेशन रह सकता है। फिर दूसरा है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और जनरल, वो मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके साथ साथ डिप्रेशन रहता है। फिर है मिक्स्ड एंग्जाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिप्रेशन मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें डिप्रेशन रह सकता है। फिर नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कोई ट्रॉमा दिमाग को हो गया, तो दिमाग को मतलब मन को ट्रॉमा हो गया या ब्रेन को कुछ ऐसा ऐसे ट्रॉमेटिक हो गया, मतलब अंदर नहीं हिल गया ब्रेन, या ऐसा कुछ ट्रॉमा हो गया ब्रेन को हिल गया, मतलब अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है, या मन को ट्रॉमा हो गया, बहुत हादसा हो गया, उसके बाद में जो होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार 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 वही करना, बार बार विचार करना, बार बार कृति करना, उसके साथ में डिप्रेशन हो सकता है। बाद में अलग अलग ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है, जिसमें भी एनोरेक्सिया है कि व्यक्ति बिल्कुल खाना खाना बंद कर देता है, या बुलेमिया है बहुत ज़्यादा खाना खाता है, तो उसके साथ डिप्रेशन रह सकता है। फिर जैसा मैंने पहले बताया बायपोलर वन डिसऑर्डर, बायपोलर टू डिसऑर्डर, उसमें डिप्रेशन रहता है। नेक्स्ट साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, शॉर्ट पीरियड्स रहते हैं डिप्रेशन और मैनिया के, साइक्लोथेमिया। डिसथाइमिक डिसऑर्डर्स है, उसमें डिप्रेशन रह सकता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, माइनर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया जो बीमारी, उसके साथ साथ डिप्रेशन हो सकता है। स्किजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो है, उसमें डिप्रेशन हो सकता है। और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म मतलब बॉडी में, बदन में पूरे दर्द है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई है, उसके साथ साथ डिप्रेशन हो सकता है। तो ऐसी कोई भी बीमारी रहो, कहीं भी डिप्रेशन रह सकता है, फिर हमको उसको एंटी डिप्रेशन देना जरूरी हो सकता है। तो हर बार हमारा फर्ज ये होता है कि कोई जनरल मेडिकल कंडीशन हो उसके साथ डिप्रेशन है, क्या समझो उसको कैंसर हो गया, किसको, तो कैंसर हो गया करके उसको डिप्रेशन आ सकता है, लीवर का प्रॉब्लम इसलिए डिप्रेशन आता है, तो उसमें डिप्रेशन को ठीक करना पड़ता है। या फिर शराब के साथ में, तो उसको डिप्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। या फिर बाकी जो मानसिक बीमारियां उसका डिप्रेशन, तो डिप्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। जब तक वो ठीक करते हैं तब तक पेशेंट अच्छा होता नहीं है, तो हम उसमें फिर एंटी डिप्रेशन देते हैं, उसके साथ साथ जो मेजर हमको मेंटल डिसऑर्डर ठीक करना है उसके साथ साथ एंटी डिप्रेशन है, फिर उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी है, साइकोथेरेपी है और मेडिटेशन है, ये सब हम करके उसका इलाज हम कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है डॉक्टर लोगों के लिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स हो या साइकियाट्रिस्ट हो या जनरल पब्लिक हो, उनको भी जानना चाहिए और उन्हें खुद नहीं होकर डॉक्टर बताना है कि डॉक्टर मुझे है ना डिप्रेशन लग रहा है, निराशा है, नहीं तो वो छुपी हो जाती, मतलब छुपाई जाती है, बताया नहीं जाता, फिर वो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। तो पेशेंट लोगों को भी जरूरी है कि बताना, डॉक्टर लोगों ने खुद के देखना चाहिए कि सच्ची डिप्रेशन है क्या, और फिर
उसके साथ उसका इलाज हो सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।